राजस्थान खबरें, आवाज राजस्थान की। राजस्थान में भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी, कालीचरण सराफ और अशोक लवाटी ने कहा कि कर्नाटक के बाद राजस्थान में भी कांग्रेस में अंतर्कलह चल रहा है और यहां भी ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में मध्यावधि चुनाव हो जाए। राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार का पहला पूर्णकालिक बजट पेश किया। बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं के बाद प्रदेश की जनता को बड़ा फायदा मिलने वाला है। गुलाबी नगरी के नाम से दुनिया भर में विश्व विख्यात जयपुर शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में जगह मिली है। जयपुर को उसकी वास्तुकला की शानदार विरासत और जीवंत संस्कृति के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची का यह स्थान दिया गया है। राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल 8 साल के बजाय 5 साल का होगा। यहाँ पिछली सरकार ने लोकायुक्त का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 8 साल कर दिया था। कांग्रेस सरकार ने लोकायुक्त के कार्यकाल को 8 साल से घटाकर 5 साल कर दिया है। राजस्थान की गहलोत सरकार प्रदेश के साहित्यकारों, कवियों, लेखकों के लिए बड़ा काम करने जा रही है। इस वर्ष प्रदेश सरकार की ओर से जयपुर में राजस्थानी लिटरेचर फेस्टिवल को आयोजन किया जाएगा।